इतिहास में आपको इंडिजिनस कल्चर की एक जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन हम आपको बारीकी से देंगे एक एक जानकारी। हमारे पुरखों ने पेड़ पौधों के नाम रखा है, गवर्नमेंट ने जिस नाम को अपने पुस्तक में इतिहास में दर्ज किया है उन नामों को हमारे दादा परदादा ने पहले ही रख चुका है। हमारी जो भाषा पाना पारसी है, आपको ये बता दूं पाना पारसी जिस संस्कृति को हम मानते हैं सिंधु घाटी संस्कृति से सीधा संबंध हमारा है, वहाँ के जितने भी प्रमाण मिले हैं उनको आज तक पुस्तक के पाठ्यक्रम में लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आदिवासी के बच्चे जिस दिन जाग जाएंगे अपनी संस्कृति की बात करेंगे और ये बताएंगे कि पूरा जो इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो रहने वाले लोग हैं उनको आदिवासी कहकर भूखे नंगे असभ्य और ऐसे ऐसे लोग बना दिया गया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग क्या गरीब थे, असभ्य थे? अरे सिंधु घाटी नगरी जैसी नगरी तो आज तक डेवलप नहीं हुई, वहाँ हम रहते थे, हम लोगों को भूखे नंगे कहा गया। हमारे महलों में आज गोंडवाना के इतने महल आपने देखा होगा, उन महलों में रहने वाले लोग की आज जो स्थिति देखो किस कंडीशन में, और हमको लोग कहते हैं तुम गरीब थे, कोई गरीब नहीं थे। हमारा इस देश में जितने भी बड़े महल है जितनी बड़ी सभ्यता उन सभ्यता में हम लोग रहे हैं और हम लोगों को ही आज जिस प्रकार से लोग बोला और ये कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से गरीब थे, कोई जन्म जन्मांतर से गरीब नहीं थे। उन सभी इतिहास को पूरे युवा आदिवासी युवा पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, प्रशासन को बताएंगे और आने वाले समय में पूरी पुस्तक के पाठ्यक्रम में इसको लागू करने की बात हम करेंगे, क्योंकि हक और अधिकार की बात है और हम अपने हक अधिकार और इतिहास के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे, उसके साथ हम छेड़खानी नहीं करने देंगे। चाहे भैया जी सरकार भी आए, मैं तो खुला बोलता हूं भैया जी सरकार को, अगर आपको हमारी संस्कृति के बारे में पता है तो बताइए गोत्र व्यवस्था क्या है हमारी, गोंदोला व्यवस्था क्या है हमारी, गंड व्यवस्था क्या है हमारी, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता संचालित हुई तो वैसा बताइए, नहीं तो हम बताते हैं कैसे संचालित होती है एक एक बात के साथ। मैं तो बोलता हूँ कि अगर सरकार सही तरीके से अगर पुरातात्विक विभाग अगर ये एक्टिव हो जाए, अगर हमारे जितने भी जो स्थान है प्राचीन स्थान गुफाएं उसमें सही तरीके से अगर खोज कर दे तो ऐसे ऐसे दुनिया में ऐसी चीज़ सामने आएगी जो आज तक किसी ने नहीं देखा। जापान कहता है कि विकास का अंतिम दौर आ चुका है, अब आगे अगर विकास होगा तो पूरा विनाश हो जाएगा, जीव जगत नष्ट हो जाएगा। इसलिए कई बार यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो इंडिजिनस लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं उनकी संस्कृति से ही पूरी जीव जगत जिंदा रहेगा और हर एक व्यक्ति जिंदा रहेगा। लेकिन आप बताइए जिस संस्कृति से पूरे जीव जगत का संतुलन होता है उसको जानबूझ के लोग खत्म कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हमारा घाटा नहीं है पूरी प्रकृति का नुकसान होगा, पूरा व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, पूरा जीव जगत नष्ट हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, बहुत सारी बातें हैं, इतना कहकर हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे और माफी चाहते हैं कोई अगर हमने बात गलत बोल दी हो, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सभी दर्शकों को मैं यही कहेंगे जो साक्ष्य हमारे सामने था वो है और इस बातों को आप सब लोगों तक पहुँचाए। सेवा सेवा सेवा।